राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरा प्रश्न ये है कि कई से परिवारों में अपना गोत्र नहीं पता होता कई लोगों को, जैसे कि है कई परिवार हैं और घर पे कुलदेव या कुलदेवी कौन है, पूजा पाठ सत्यनारायण होती है, जो भी अभिषेक होता है उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम क्या बोलें? ये बात सभी को सुननी चाहिए। 90% लोगों के साथ पूजा करते समय ये समस्या आती है, सभी सीख लें। ये बहुत मतलब का क्वेश्चन इन्होंने किया है, ये क्वेश्चन इनका है पर आंसर बहुत लोगों का है। आजकल ये समस्या सबके साथ है, हमें हमारा गोत्र ही नहीं पता। हम लोग गाँव से कई लोग शहरों में आ जाते हैं और शहरों में आकर तब तक जब तक हम आए तब तक गोत्र वगैरह की बात नहीं होती थी, पूछते नहीं थे, और जब हम यहाँ बड़े हुए थोड़े समझदार हुए, बुजुर्ग रहे नहीं और हम लोगों ने पूजा पाठ प्रारंभ किया तो अब गोत्र पूछते हैं, तो हमें गोत्र नहीं मालूम। पहला प्रयास तो ये करें कि कोई भी हमारे बुजुर्गों के सागिर्द हो, गांव में कोई जानकारी हो या कैसी भी हो, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि मुझे मेरा गोत्र मालूम हो। अगर कहीं से भी ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उस स्थिति में मुझे कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, क्या बोलना चाहिए? कश्यप गोत्र। कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तब ये कह दें कि हमारा कश्यप गोत्र है। जी। तो आप और ये तो आचार्य भी करवा देते हैं, जो पूजा कराने आते हैं वो भी कश्यप गोत्र का प्रयोग कर देते हैं, तो आप ये करें। और जैसे कुलदेव कुलदेवी बोलते हैं, हमारे यहाँ राधा कृष्ण की ही पूजा होती बस वही है, बस। उनसे बड़ी कुलदेवी कौन है, उनसे बड़ा देवता कौन है, चकाचक लगो सेवा में। राधे राधे गुरु।